हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंता और आप देख रहे हैं ममता इन्फॉर्मेशन। आपने मेरा कल का वीडियो तो देखा है, मैंने कैसे मेकअप ये क्रिएट किया है, तो मैंने इसमें आई मेकअप नहीं बताया। तो आज के मैं आई मेकअप कल का ही पार्ट है, तो आज मैं इसमें आई मेकअप बता देती हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैंने अलग अलग दो पार्ट डिवाइड कर दिया है। तो आप कल का वीडियो जरूर देखिए, जैसे मेरा अगर आपको ये मेरा मेकअप अच्छा लग रहा है, मेरा लुक अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो जाके जरूर वॉच करिएगा। और इसमें मैं आई मेकअप बताऊंगी बहुत ही सिंपल, बहुत बेसिक चीजों से, ये भी कोई वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और लाइक करिएगा ढेर सारा, जिससे मैं मुझे और मोटिवेशन मिल सके आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे मैंने आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले ये कंसीलर लगा ले रही हूँ। आप चाहे तो फाउंडेशन लगा लीजिए या आई प्राइमर भी लगा सकते हैं। कंसीलर लगाएंगे तो फिर अपना जो मेकअप आई मेकअप वो अच्छे से उभर के आएगा। और ये देखिए मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ अच्छे से। मेकअप कभी भी आप करिए तो पहले कंसीलर लगा लीजिए, फिर मेकअप अच्छा सा निकल के आता है। अपना अक्सर डार्क रहता है इसलिए कलर अच्छा सा नहीं निकल के आता। फिर मैं ये देखिए ग्लिटर थोड़ा अप्लाई करूँ, ग्लिटरी लुक चाहिए मुझे, थोड़ा पार्टी वियर लुक है तो मैं थोड़ा ग्लिटर आई चाह रही हूँ। तो फिर मैंने ये देखिए थोड़ा गोल्डन कलर का है ये मैंने अप्लाई कर लिया है। आप देखिए फिर मैं ब्लैक कलर का देन पिक कर रही हूँ और फिर अप्लाई कर ले रही हूँ। आप ट्रस्ट मी गाइस, आप इस तरह से अप्लाई करेंगे तो आई मेकअप बहुत अच्छा से उभर के आएगा। और ब्लेंड अच्छे से करिएगा, क्योंकि देखिए चाहे मेकअप हो, फेस मेकअप या आई मेकअप, ब्लेंड अच्छे से नहीं होता है तो मेकअप अच्छे से उभर के नहीं आता है। तो ब्लेंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ब्लेंड अच्छे से करिएगा। फिर मैं थोड़ा स्काई कलर का पिक कर रही हूँ और फिर देन अप्लाई कर ले रही हूँ। सर ट्रस्ट मी गाइस, इतना अच्छा लुक आया है, इतना अच्छा। अगर आप कहीं पार्टी वेयर या कहीं भी आपका खुद का एंगेज हो या कोई भी पार्टी में आप जा रहे हैं तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इस तरह से मेकअप करेंगे सच में, ट्रस्ट मी गाइस, सब लोग यही सोचेंगे आपने खुद से मेकअप नहीं किया है, ऐसा लगेगा आपने कहीं प्रोफेशनली मेकअप कराया है। और ट्रस्ट मी गाइस, सब आपको ही देखते रहेंगे, इतनी प्यारी आई और नाइट में जा रहे हो तो ये मेकअप तो आपके लिए ही है। फिर मैं थोड़ा आउटर मैं ब्लैक कलर का पिक किया और आउटर कॉर्नर में अपने आई के आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा अप्लाई कर ले रही हूँ, बहुत अच्छा आता है। आप कभी भी आउटर कॉर्नर पे ऐसे ब्लैक ट्राई करिएगा। फिर मैंने अपना ये हाइलाइटर लिया है और फिर देन इसको मैं अप्लाई कर ले रही हूँ और इतना खूबसूरत सा मेकअप आया है ना, ट्रस्ट मी गाइस, आप इस तरह ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पे। मैंने ये देखिए हाइलाइटर ही लेके अच्छे से इसको कर लिया है और बहुत अच्छा सा आ गया है लुक। फिर मैं थोड़ा अपने इनर आई में लगा ले रही हूँ, इसमें आँख अपनी इतनी सुंदर सी उभर के आएगी, आपको सब देखते ही रह जाएंगे। आप ऐसे ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे कहने पर, एक बार ट्राई करिएगा। फिर आप चाहे तो ऐसे भी मेकअप को इनफ कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा इसमें और भी इम्प्रूव करूँगी, थोड़ा सा लाइनर लगाऊंगी। देखिए लाइनर लगाते समय पहले आप विंग बना लेते हैं तो इजी हो जाता है, आईलाइनर का शेप मिल जाता है एक, तो फिर आप ऐसे आईलाइनर अप्लाई करो तो इजी तरह से हो जाता है। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने सिर्फ 2 मिनट में अपने आईलाइनर दोनों आई में लगा लिया था। आप पहले ऐसे अगर आप चाहिए तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी और बिल्कुल अच्छा ट्रिक बताऊंगी, 2 सेकंड में आप लाइनर लगा सकते हैं। फिर मैं इसमें देन उस तरह ही करूंगी, आउटर लाइन पहले मैं अपना विंग निकाल लूंगी, फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके अपना अच्छा सा लाइनर लगा ले रही हूँ। गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जाके लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, प्लीज़ लाइक करिए। तो देखिए मैं इस तरह से कुछ लगा रही हूँ, फिर मैं इसमें थोड़ा सा चाहे तो आप ऐसे भी अपना मेकअप डन कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और भी अपने आईज़ को बड़ा दिखाना चाहती हूँ तो मैं इसमें काजल लगा रही हूँ, ये स्टेकवर्की का काजल, और लाइनर भी मैंने स्टेकवर्की का लगाया था। ट्रस्ट मी गाइस, लाइनर और स्टेकवर्की काजल बहुत ही अच्छा स्मेच प्रूफ है, बिल्कुल भी मर्ज नहीं होता, वाटर प्रूफ है। तो आप अगर करना चाहते हैं तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा लगा लिया, आई देखिए अब थोड़ी बड़ी दिख रही है। और फिर मैं मस्कारा लगा रही हूँ, मस्कारा लगाते समय भी आप इस तरह से हिला हिला के लगाइएगा, नहीं तो लेसेस जो होती है वो जाके आपस में चिपक जाती है, फिर वो लेसेस अच्छे से नहीं निकलती जाके आती है आई मेकअप। तो आप इस तरह से हिला हिला के लगाएंगे तो वो अलग हो जाएगी, इस तरह से देख लीजिए। फिर लेसेस जो लगेगी, आप चाहे तो फेक लेसेस भी लगा सकते हैं, लेकिन फेक लेसेस लगाना मैं
अपने के लिए अच्छा है, मेरे को नहीं जमता है, मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है, नेचुरल लुक लगता है थोड़ा, फिर मैं थोड़ा ऐसे कर लूँगी तो ये मेरा नेचुरल कर्ल हो गया है आई। और फिर देखिए गाइस कितना खूबसूरत सी आई है, आई मेकअप निकल के आई है। फिर मैं अपना होम मेड मेकअप सेटिंग स्प्रे, आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाइए जल्दी से देख लीजिए, फिर मैं उससे अपना मेकअप सेट कर लूँ, इससे मेकअप ज़्यादा बेटर। हाय फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने कितना बेसिक चीज़ से मेकअप किया है, मतलब बेसिक भी नहीं, इतना तो अपने पास रहना ही चाहिए। और अच्छा लग रहा है तो मेरा कल का वीडियो जरूर देखिएगा, कल में मैंने मेकअप ये क्रिएट किया था कल का, जिसमें मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था आपको पता है, तो कल का आप चेकआउट जरूर करिए, भूलिए मत। और ये आके मेरा आई मेकअप इसमें देखिए, बहुत ही मतलब बहुत ही ईजी बताया मैंने, बहुत आप लोग सोचते हैं कितने बड़े ऐसा मेकअप क्रिएट कर पाते हैं कैसे, तो मैंने बस वही कोशिश की है कि आप लोग भी अगर आप नई नवेली दुल्हन है आप, या शादी होने वाली है, तिल एंगेज होने वाली है, पार्टी कोई भी छोटे फंक्शन में आप इसको ऐसे लुक कैरी कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लुक आया है बिल्कुल नई नवेली दुल्हन का, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसा रहा मेरा आपका अपना एक्सपीरियंस मुझे जरूर शेयर करिएगा। तो मेरे चैनल को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ढेर सारा लाइक, प्लीज़ लाइक जरूर करिए, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे और भी अच्छा कर सकूं, तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंडों में, और कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, तो सब्सक्राइब प्लीज़, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।